माता च पार्वती पिता महादेव पांड चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़ुवन का भोग लगे संग करे सेवा एक दंत दयावंत चारु जगारी माथे सिंदूर सोये मुसची सवारी एक दंत दयावंत चारु जगारी अंधन को आँख दी तो कोढ़िन को काया बांधन पर करे कष्ट हरे देवा माता चाकी पार्वती पिता महादेवा शांतलतारं भुजगजायनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकांतं समन्वयं योगविद्यारम्यं वन्दे विष्णुवरं सर्वलोकैकमेव बन्धुसखात्वमेव तमेव विद्याद्विनं त्वमेव तमेव शरणं ममेव। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गणपति जी के आगमन पर। बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ हम ये पर्व मनाते हैं हर साल। पिछले दो साल थोड़े अलग रहे, इतना ज़्यादा बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के, बहुत सारे लिमिटेशंस थे हम सब के। तो इस बार फिर से वही उमंग वही उत्साह के साथ हम मना रहे हैं गणपति पर्व। पलक जी, आपने बचपन से आपको एक्साइटमेंट होगा मतलब गणपति जी का, तो क्या ऐसी मेमोरेबल गणपति मतलब क्या ऐसे? बहुत छोटे थे पलाश और मैं, तब से हम गणपति जी घर पर ला रहे हैं और बचपन से अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। आज भी हम वैसे ही पूरे परिवार के साथ आरती करते हैं, मम्मा मैं और दादी मिलके डेकोरेशन करते हैं अपने हाथों से। तो वही एक ट्रेडिशन है फैमिली का जिसको हम कैरी कर रहे हैं। मैं कभी भी कुछ मांगती नहीं हूँ भगवान से, बट बहुत सारी चीज़ें मुझे भगवान के प्लान के अनुसार मिल जाती हैं और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। महाराज गजानन आओ जी, हमारे सभा में रस बरसाओ जी, महाराज गजानन जी, हमारे सभा में रस बरसाओ जी। गणपति बाप्पा मोरिया, आप सब श्रोताओं को मुकेश परिवार से गणपति उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरे सन मेरा सुपुत्र, बड़ा सुपुत्र नील है। हम लगभग क्या, इस साल हमारे 29वें गणपति आगमन है और हमें बहुत गर्व होता है कि हमें बाप्पा की कृपा हर साल बढ़ती जाती है और बाप्पा की भक्ति हम जिस प्यार से हमारे परिवार के सदस्य मिलके करते हैं वो एक अलग ही हमारे दिल की भावना है। ये कहूँगा कि इसमें योगदान हम सब, हमारी मेरी छोटी पोती है उससे लेके मुझ तक
सबका योगदान रहता है इनकी खूबसूरती में, इनकी सजावट में और सारे 10 दिन की पूजा में। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, नील और उसकी बहन मेरी बड़ी बेटी नेहा, जब से उनका मन था कि पापा घर पे आए, और छोटे से आते थे पापा, तब से लेके अब तक एकदम विशाल हो गए हैं। और एक टाइम तो 5 फुट के पापा हमारे छोटे से घर में आते थे, अब पिछले 2 साल से क्योंकि ऐसे सरकारी नियमों के अनुसार थोड़ी मूर्ति छोटी है, मगर दिल उनका बहुत बड़ा है। उनकी हमेशा हमारे परिवार पे बहुत कृपा रही है, आप सब पे हमेशा उनकी कृपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना। गणपति बाप्पा मोरिया। मैं तो बस कहूँगा कि पिछले 2 सालों में जो हम जिस स्थिति से गुजरे हैं, उसके बाद बहुत बहुत खुश हूँ कि हमारे घरों के दरवाजे फिर खुल गए हैं, और हमारे बड़े बड़े तादाद पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि बप्पा के जितने भी चहेते हैं और हमारे जितने मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, सभी घर में आए, वही रौनक फिर एक बार मुकेश परिवार में लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया, और दोनों पापा और मेरी तरफ से एक और बार फिर गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं जिस तरीके से सभी सिनेरियो चल रहा था, कोरोना का टाइम था, जिस तरीके से माहौल रहता था सभी से भी पहले के लिए, हम देख रहे हैं सभी रोड, सभी गलियों, सभी जगह नाच बाजा गणपति बाप्पा को लेके आ रहे हैं। एज एन एस ये आप लोगों का फर्स्ट ईयर, क्या कुछ कहना चाहिए? फर्स्ट ईयर है तो बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है, बिकॉज बहुत सालों से साथ में रहते हैं, अभी रिसेंटली हमारी शादी हुई है, तो इट फील्स वेरी वेरी स्पेशल एंड वी आर ब्लेस्ड कि सब बापा ने हमारा घर चुना हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, सो इट फील्स वेरी वेरी स्पेशल एंड वी फील ब्लेस्ड। मैजिकल चीज़ भी हुई है, वी वर सपोज टू फ्लाई टू लंदन 28th को। रियली? या बट आई थिंक उनकी प्लानिंग थी कि वो हमारे घर में डेब्यू करे, इसलिए वो प्लान कैंसिल हो गया और आज हम बापा के कदमों में यहाँ बैठे हुए हैं। बट ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि 2 साल से हम कोरोना की वजह से हम कुछ जिस तरह से महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में उस तरह से नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस साल मतलब मेरी बहन बोल रही थी, बिकॉज शी टीचर्स समवेयर एंड शी वाज लाइक, मैं जब आ रही थी 2 साल से जो देखने नहीं मिला ना, वो इस बार इतना उत्साह अलग है लोगों का, मतलब जो 2 साल से भरे पड़े थे ना कि ओहो हम क्यों नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, वो इस साल और उतने ही दुगने उत्साह से देखने मिल रहा है कि लोग
यू नो गणेश चतुर्थी को गणेश जी को कैसे वेलकम कर रहे हैं उनके ज़िंदगी में, उनके लाइफ में, और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट्स रियली कमेंडेबल. थैंक गॉड के अब कोरोना नहीं है, और जैसे अब ये आ गए हैं तो और विघ्न हर लेंगे जितने भी क्या कहते हैं महामारी, वो भी जो भी आ रहा है, मंकी पॉक्स से लेकर जो भी आ रहा है. आई होप के पापा सब कुछ हर ले यार हमसे, और हमें कोरोना फ्री जिंदगी जीने दे, सारी नेगेटिविटी से दूर करके एक खुशी वाली पॉजिटिव लाइफ जीने का मौका दे सबको, पूरी दुनिया को, कि पिछले दो साल से सब लोग अंदर इतने घुट रहे थे कि हम कैसे सेलिब्रेट करें, लोगों से मिले, वो लोग डर का माहौल था, मौका नहीं मिल रहा था, डर रहे थे सब लोग. पापा से बस यही प्रे करते हैं कि बस अब सब अच्छा ही अच्छा हो. साथ ही हम देख रहे हैं कि डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है जो ये क्लास से किया गया है, एज वेल एज पापा की मूर्ति. चूज करने के टाइम पे किसका आइडिया था, एज वेल एज लाइक आइडिया कैसे चूज किया? हम कौन होते हैं भगवान को चूज़ करने वाले, भगवान हमें चूज़ करते हैं. तो मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बता रहा हूँ, हम गए एंड जैसे ही अंदर गए, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे सबसे पहली जो भी मूर्ति दिखेगी मैं उन्हें ले आऊँगा. तो मैंने एंटर किया एंड मैं बस वहीं पे खड़ा हो गया. मैंने पूनम को बोला कि ये रहे पापा बस, और हम इन्हें लेकर आ गए. एक्चुअली क्या हुआ था, तो संजय ने पहले सिलेक्ट किए, संजय ने बोला ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे फर्स्ट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पापा घर आ रहे हैं. तो मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सारे पंडाल देख के तो मैं ढूंढ के लाऊंगी कि सबसे अच्छे कौन दिख रहे हैं. लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भगवान आपने जिसको देखा, जिस मूर्ति में भगवान आपको दिख गए, वो उसी में बस जाते हैं और वही आपके घर आते हैं. मैंने 5-6 पंडाल देखे लेकिन घूम के मैं वहीं आई क्योंकि पापा ऑलरेडी वहाँ बैठ चुके थे, उन्होंने बोला हम ही आपके घर आ रहे हैं. तो हुआ वही कि जो सबसे पहले संजय की जहाँ पे नज़र पड़ी थी वो पापा बस आ गए घर पे. हर साल हम देखते हैं कि सभी जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत चढ़ते हैं पापा को, सो इस साल आप लोगों ने क्या कुछ प्रिपेरेशन किया? हम लोग, हमें पता है कि पापा के फेवरेट तो मोदक होते हैं, सुबह से हम उनको मोदक मोतीचूर के लड्डू तो खिला ही रहे हैं. तो इस बार हमने सोचा कि सब लोग सबके घर होकर आते हैं तो मोस्टली सब इंडियन खाना रखते हैं. हमने इंडियन और थोड़ा चाइनीज कॉन्टिनेंटल मिक्स करके रखा है ताकि लोगों को वैरायटी मिले. जैसे हमें वैरायटी पसंद है तो भगवान को भी तो वैरायटी पसंद होगी ना. जी बिल्कुल. तो ये एक्चुअली आइडिया संजय का था कि लेट्स मतलब थोड़े हम जो भोग हैं वो थोड़ा डिफरेंट रखते हैं. गणेश चतुर्थी की आपको ढेर सारी बधाइयां. दो साल के बाद 2 साल का
बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है ऑलरेडी, सब लोग हर चीज़ों को सेलिब्रेट करने लग गए। आई थिंक ये भी बाबा की आशीर्वाद है, विघ्न दूर हो गए, और क्या चाहिए। अभी तो आपने कहा डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए, फिर क्यों पूछ रहे हैं आप? पर्सनल लाइफ को लेके गुड हेल्थ और बहुत सारा वेल्थ, और प्रोफेशनल लाइफ को लेके अच्छा और मुझे मनपसंद हो वैसा काम, और क्या चाहिए। वापस जिस तरह जान लोगों में पड़ जाती वैसे आई है। पापा का पर्व हमेशा बहुत जोश से सब लोग मनाते हैं, लेकिन कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से लोग मनाना चाहते थे वो उत्साह नहीं आ पाया, लोग तकलीफ़ों में बहुत थे। और वापस अभी इस बार जब मैं वापस लोगों को देखता हूँ कि वही खुशी है, वही उत्साह है, उसी जोर शोर से सब लोग वापस पापा को घर पर लेकर आए हैं और वैसे ही सेलिब्रेशंस हो रही हैं। तो लग रहा है कि पापा ने जो विघ्न हरता, जिसके लिए बोलते हैं हम लोग, विघ्न काफ़ी जो थे वो हर लिए हैं और वापस जो ज़िंदगी है वापस पटरी पे लौट रही है। सुनो जी, बात की जाए आपके गणपति उत्सव मनाने की, तो मतलब हर साल आप मनाते हैं, ऐसा कौन सा प्रेस्टिजियस मोमेंट है या ऐसा कौन सा गणपति उत्सव जो आप याद करना चाहेंगे हमेशा हर बार? मुझे अपना पहला गणपति याद है, मैं जब पहली दफ़ा आया था मुंबई, हम लोग किराए पे रहते थे एक जगह पे, और किसी ने बोला कि ना पापा को घर पे लाने से बहुत ज़िंदगी में आपको यू नो सक्सेस मिलती है, और पता नहीं था कि क्या विधियां होती हैं, ये भी डर था कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो सब बैठ के सीख रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे जो लोग बहुत टाइम से मनाते हैं कि कैसे मनाते हैं, तो वो बड़ा एक स्पेशल टाइम। तो बाइक पर जाकर मैं विलेपाल स्टेशन से गणपति पापा को लेकर आया था, फिर खुद ही हाथ से थर्मोकोल से हमने पूरा उनका जो डेकोरेशन किया था पूरी रात बैठकर, उतना अच्छा भी नहीं बन पाया, कोई एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक अलग यू नो प्यार था, एक अलग खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, और उस दिन से जब शुरुआत हुई पापा के साथ घर में बुलाने की, और आज तक वो चलता ही आ रहा है। So, वैसे विघ्नहर्ता जो है वो सारे विघ्न हैं उनको दूर करते हैं, वैसे इस साल कुछ मन में भावना कुछ यू नो इच्छा विश लेकर पापा को घर पर लेकर? मैं बस पापा से यही कहूँगा कि तकलीफें तो पहले भी हम लोग बहुत देखते थे, लेकिन अभी जब से थोड़े लोगों से ज़्यादा जुड़ना शुरू किया लगा कि और तकलीफें बहुत ज़्यादा हैं। हर रोज़ लोग जो घर पे आते हैं इतवार को तो बहुत ही बड़ी तादाद में आते हैं, तो उनकी तकलीफ़ें कम हो, जो कतारें हैं वो छोटी हो जाएं, लोगों की तकलीफ़ें कम हो, और बस उन सबके विघ्न हरे बप्पा और खुशियाँ दें, तकलीफ़ें दूर हो लोगों की, और जो भी उनके सपने हैं वो सब पूरे हों। हमारे जो पापा लेकर आते हैं 5 दिन के लिए रहते हैं, 5वें दिन हमारा विसर्जन होता है, पर वही रहता है कि हमेशा ऐसा लगता है कि घर के अंदर एक नया मेहमान आ गया है, और यू नो आप देख ही रहे हैं कि आप सब लोग आए हैं, खुशियों का एक अलग फीलिंग है। सो प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट।
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।